हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो जैसा कि आप मेरे व्लॉग्स देख ही रहे हैं, तो हमें ऋषिकेश में इस बार हमें सोचा कि हम क्यों ना होटल लेने के अलावा हम कुछ डिफरेंट ट्राई करें। कैंप्स पे भी हम रुक चुके हैं, तो इस बार हमने ट्राई करा होस्टल्स। आप लोग समझते होंगे जो होस्टलर्स होते हैं, जो होस्टल्स होते हैं, और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खुली हुई है जिसमें कि आप रैंडम लोगों के साथ रुकते हैं। डोम्स टाइप के होते हैं, डोमयार्ड्स होते हैं, उसमें से ऊपर नीचे वाले बेड्स होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार ऐसा कुछ ट्राई करा, और मुझे बहुत सही रेट पे वो मिल गए। हम लोग चार लोग हैं, हम चारों कज़िन से, तो हमें बहुत सही रेट में मिल गए। तो अभी मैं इनका बाकी डिटेल्स तो मैं आपको नीचे दे दूँगी, पहले मैं आपको प्रॉपर्टी शो कर देती हूँ कि कैसी है। सो ये इसका फ्रंट एरिया है जहाँ से आप एंटर करेंगे। तो दिस इज़ द फ्रंट एरिया जहाँ से आप एंटर करके अंदर की तरफ आएंगे। आप अंदर की तरफ आते ही आपको ये येलो इधर येलो ये दिखेंगे। ये आई थिंक सिंगल रूम्स हैं जिसमें सिंगल भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे डोमयार्ड्स नहीं चाहिए, यानी कि ऐसे वो ऊपर नीचे वाले बेड नहीं चाहिए, आपको सिंगल अपना रूम चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। और बहुत सुंदर ग्रीनरी है चारों तरफ। तो ये है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। इस तरीके के 1, 2, 3, 4, 5 है यहाँ पे। और ये वैसे हैं जिसमें डोम्स टाइप होते हैं, जिसमें आप लोग अंदर डिफरेंट लोगों के साथ और डिफरेंट मतलब बेड्स वगैरह होते हैं। और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, ये भी एक सिटिंग एरिया है यहाँ पे। और चारों तरफ ग्रीनरी है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात। और एक ही छोटा सा कैफ़े टाइप दे रखा है यहाँ पे, आप यहाँ पे चिल कर सकते हो, शाम को बैठ सकते हो। आप बाहर से फूड ऑर्डर करके, यानी कि स्विगी से ऑर्डर करके यहाँ पे अच्छे से खा सकते हो। यहाँ पे मैंने सुना है, मतलब भैया बोल रहे थे कि वो शाम को शायद लाइव म्यूज़िक भी हो, तो उसका इंजॉयमेंट भी आप ले सकते हो। और सामने ही जोस्टल भी है इसके सामने। बट एज़ कम्पेयर टू जोस्टल्स मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। व्हाट अबाउट यू राहुल, ये ज़्यादा अच्छा है या सामने वाला अच्छा है? सो इट्स एन ओपन प्लेस, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा अच्छा है। हॉस्टल में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, इतना ग्रीनरी वगैरह नहीं है, इट्स जस्ट अ बिल्डिंग, बिल्डिंग में ही रूम्स हैं। हाँ, तो वो इतना थोड़ा सा कंजेस्टेड है, बट ये तो काफी ओपन अच्छा है। काफी यू आर कमिंग टू ऋषिकेश, यू वांट टू एंजॉय योर वीकेंड और योर हॉलीडेज क्लोज टू नेचर, तो आप यहां रुक सकते हैं आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये यहाँ पे इसका भी एरिया है रुकने का, मैं आपको बैठने का दिखा देती हूँ यहाँ से। सो यहाँ से ऐसे उतरने का है यहाँ से, और ये यहाँ पे बैठने का है। यहाँ पे ये बैठने का एरिया है, काफ़ी एस्थेटिक तरीके से बनाया हुआ है, सुंदर सा, बड़ा मज़ेदार। शाम को और भी वाइब्स अच्छी हो जाती है, मैं शाम को भी दिखाऊंगी इस ब्लॉग में पूरा। आप इसका होस्टलर्स का आप पूरा वो एरिया देखेंगे कैसे। यहाँ पे हमारा रूम इस तरीके से बिल्डिंग है, तो ग्राउंड फ्लोर पर हमारा है। सो ये हमारा रूम है, लेट मी शो यू माई रूम। सो ये ऐसे बाहर का एरिया है, हमने अपने थोड़े कपड़े वगैरह सुखा रखे हैं। सो ये है हमारे रूम्स है यहाँ पे, हमारे रूम्स है यहाँ पे, ये हमारा सारे बेड्स वगैरह है। तो हम चारों ने ये वाले सेलेक्ट करें अपने लिए, ये दो। और ये है ना राहुल, ये है ना अपने, ये और ये चार हमारे। और यहाँ पे देखते हैं कौन आता है हमारे इसमें। तो ये हमारे ये वॉशरूम है, स्वाति रेडी हो रही है। यहाँ पे वॉशरूम है, बाथरूम है, और यहाँ पे हमारा दूसरा वाला वॉशरूम है दूसरी साइड। सो ये भी बिजी है अपने फोटोज में एंड ऑल में। तो बाकी हम शाम का, शाम का भी मैं आपको शाम को दिखाऊंगी कि शाम को जो यहाँ पे होस्टलर्स में कैसा लगता है या क्या सीन रहता है या कैसा होता है सब कुछ। तो इस वीडियो में आपको इस तरीके स्टे के बारे में ही बताऊंगी मैं सारा, कि कैसा सब कुछ रहता है, कि सारा सिस्टम एंड ऑल कैसा चलता है। तो ये सारा बाकी जो इसकी बेसिक डिटेल्स है लाइक प्राइस एंड ऑल, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से चेकआउट जरूर कर सकते हैं। ऋषिकेश आए, कैंपिंग कर चुके हैं आप, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई दिस। तो बाकी आपको डिटेल्स ऐसे धीरे धीरे पूरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी कि शाम को कैसा लगता है और सब कुछ। सो गाइस, अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगी क्योंकि बचपन में हम सबका मन होता है कि हमारे पास ऐसा बेड हो ऊपर नीचे। जब भी हम कुछ भी डिमांड रखते हैं तो हम ऐसी चीज रखते हैं कि ऐसा वाला हमें ऊपर नीचे वाला बेड चाहिए, तो हमें ये वाली फीलिंग अब मिल रही है। तो मैं ऊपर जैसे आपको दिखाती हूँ। सो आज मैं यहाँ पे सोने वाली हूँ, आज मैं यहाँ पे सोने वाली हूँ, बहुत मजा आ रहा है। राहुल तू भी जाओ उधर ऊपर। सो होस्टलर्स में ये सबसे अच्छी फील मुझे लगी जो आए। और आपको पता है गद्दे भी इतने अच्छे हैं ना, एकदम कूदने वाले मस्त गद्दे, ब्लैंकेट भी काफी अच्छा दिया हुआ है, और साथ में आपको दो पिलो है, एक कुशन और एक पिलो, तो काफी अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। बट
ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो मे भी थोड़ा सा मैस क्रिएट हो जाएगा, बट ठीक है कोई नहीं, एक दिन तो आप एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, तो बहुत फन होने वाला है, इस बेड पे नींद भी अच्छी आने वाली है। सो अब नीचे आ जाते हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं ऊपर सोऊंगी। कहाँ से पकड़ने का है? कूदो नीचे, कूदो सीधे, कैसे कूदो? कूदो कूदो कूदो। आपको यहाँ पे अपना सामान रखने का भी मिलेगा इस पे, और इनके साथ आपके पास यहाँ पे इनकी चाबियाँ भी हैं, तो सब कुछ है, तो सब कुछ ये ही लॉकर है यहाँ का, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये लॉक है, ये वाला शायद नहीं, थोड़ा हैवी है, खुल नहीं रहा तो काफी सही है, इसमें अटक रहा है, इसमें ये सारी चीजें, चार्जर और इसके वो सामान रखने का, और इस रात में ऐसे आपको अगर जलाना है दोनों में ऊपर भी है और नीचे भी है। वैसे पर्दे भी है, ये पर्दे अपने रात को लगा ले। अरे पर्दे भी है तो मैंने देखा ही नहीं रहा कि मतलब प्रॉपर आप अपना रूम बनाओ इसको, छोटू रूम। सो ये पर्दे भी आप आराम से खोल के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप सो सकते हैं, है ना? आज तो राहुल दो चार दिन की नींद पूरी लेगा, काफी अच्छा है सब कुछ, मुझे काफी अच्छा लगा। चलो प्रोजेक्टर है यार, यहाँ पे प्रोजेक्टर है, आप चल कर सकते हैं, मूवी लगवा सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, और मस्त चलेंगे। सो गाइस वी हैव अ लाइव म्यूजिक इन आवर होस्टल, आप सबको ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको होस्टलर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी हुई है। बेसिकली ऋषिकेश में दो होस्टलर है, होस्टलर मैक्स और होस्टलर मिनी, तो हम मिनी में रुके थे क्योंकि हमारी बुकिंग वहीं की हुई थी, द मैक्स वाला जो था वो फिल्ड आउट था पूरा, तो आई एम हैप्पी कि हमें मिनी मिला क्योंकि मिनी की प्रॉपर्टी मुझे मैक्स वाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और स्पेशली वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी। नेक्स्ट डे जब हमारा चेकआउट था, उसके बाद हमारी रात को 11 बजे बस थी, उनने हमको ऑटो करके दिया। और आपको होस्टलर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको अगर बाइक और या फिर स्कूटी करनी है वहीं से मिल जाएगी, राफ्टिंग की बुकिंग हो जाएगी। हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, बट हमें बाद में पता चली कि वहीं से सब कुछ अवेलेबल करवा देते हैं वो अच्छी प्राइस में, तो अच्छा होगा आप लोग उनसे बात करके वहीं पर कराएं। हमें वैसे तो 500 रुपये पर बेड पड़ा था, पर अगर आप ऑफ सीज़न जाते हैं यानी कि सैटरडे संडे में नहीं जाते और वीकडेज में जाते तो आपको 300-200 रुपीज़ में पक्का बेड मिल जाएगा, डोम वाला, जिसमें 10 डोमयार्ड्स थे यानी कि 10 बेड थे, आप डिफरेंट पीपल के साथ वहाँ पे रुकेंगे। सो हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, रात में इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है वहाँ पे, एकदम मस्त सा, एकदम कोजी सा हो जाता है वहाँ पे, वो प्रोजेक्टर लगा देते हैं, सॉन्ग्स बजते हैं या फिर वहाँ पे लाइव म्यूज़िक होता है, तो हमने तो दोनों चीज़ के मज़े लिए, लाइव म्यूज़िक के लिए के भी और वो भी, और रात को लोग पार्टी कर रहे होते हैं, सब आपके जैसे बच्चे ग्रुप्स आए, आप अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ रुक सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप अपने सिर्फ फ्रेंड्स के साथ वहाँ रुके, आप किसी के साथ भी वहाँ स्टे कर सकते हैं। हर तरीके की आपको डोम्स यानी कि रूम्स मिल जाएंगे, सिंगल रूम 4 लोगों के लिए, फीमेल डोमयार्ड्स भी हैं यहाँ पे, यानी कि आपको सिर्फ फीमेल्स ही अंदर मिलेंगी। सो हम तो 10 वाले में रुके थे, सो हमें बहुत मज़ा आया, बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं हुआ। जो हमारे साथ बाकी लोग थे, बाकी लोग भी बहुत अच्छे थे। सो आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।